Hello dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, lecturer, CO department, NIT Polytechnic, Nagpur, welcomes you to the online practical series of subject Graphical Application Development and using VB.NET. Today, we are going to perform practical number 11, that is develop program using panel and picture above. So, here I will open new project, then Windows form application, okay, then एक form हमारे सामने यहाँ पे दिखेगा, हम practical का aim लिख लेते हैं एक label के through, इसमें एक label यहाँ पे हमने लिया है, इसमें practical का नाम हम लिख लेते हैं, so practical number 11 use of develop program using picture box and panel. So panel is just like a group box, it is just like a container. Okay, जैसे हमने last इसमें देखा था वीडियो में प्रैक्टिकल में लास्ट प्रैक्टिकल में देखा था कि ग्रुप बॉक्स क्या होता है, तो हम बहुत सारे जहाँ पे कंट्रोल्स का ग्रुप बना के रख सकते हैं जिस कंटेनर में, उसको हम बोलते हैं ग्रुप बॉक्स. तो वैसे ही हमारा पैनल भी है, सो जहाँ पे हम बहुत सारे कंट्रोल्स हैं उसका ग्रुप बना सकते हैं. सो मैंने इसका साइज बढ़ा दिया है. सो PR11 यूज ऑफ पिक्चर बॉक्स एंड पैनल. तो हमें इस तरह से बनाना है हमारा एप्लीकेशन कि जैसे हम कुछ ब्राउज करना रहा हमको, है ना, कुछ ब्राउज करना रहा तो हम बटन पे क्लिक करते हैं और फिर हमारे सामने कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें से हम किसी पिक्चर को या फाइल को पिकअप करते हैं एंड देन उसको ओपन करते हैं. ओके, तो उसी तरह से हमको करना है. तो सबसे पहले हम एक पिक्चर बॉक्स लेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जहाँ पे हमारे हमारी जो फाइल है, जो हमारा इमेज है, हम पिक्चर बॉक्स ले रहे हैं, मीन्स इमेज डिस्प्ले होने वाली है, तो इमेज का नाम, जो भी इमेज को हम ब्राउज करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर होने वाला है. तो इस तरह से हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, देन उसके साथ एक बटन लेंगे जिसको हम जिसकी हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करेंगे कि ब्राउज. तो ब्राउज ये हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने सेट कर ली है. सो देन हम यहाँ पे एक पिक्चर बॉक्स लेने वाले हैं जिसमें हमारा पिक्चर डिस्प्ले होने वाला है. सो एक पिक्चर बॉक्स ले लिया हमने यहाँ पे, देन एक फिर से एक बटन लेंगे हम जिसमें हमारा जो पैनल है, ये हमारा फर्स्ट बटन, ये हमारा सेकंड बटन है, तो हम पैनल का कलर चेंज करेंगे, एक पैनल भी लेने वाले हैं हम. सो यहाँ पे इस बटन को हम नाम देंगे कि चेंज कलर, चेंज कलर किसका कलर, पैनल का कलर चेंज होने वाला है, तो चेंज कलर. उसके बाद हम हमारा फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, इसलिए हमको यहाँ पे ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स एक लेना है यहाँ पे, देन ये हम अगर इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं तो फाइल डायलॉग बॉक्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है, वो सिर्फ रन टाइम पे डिस्प्ले होता है, और यहाँ पे हमारा पिक्चर बॉक्स भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो रन टाइम पे हमको डिस्प्ले होने वाला है. देन अब इस पिक्चर बॉक्स के इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये साइज मोड है. साइज मोड नॉर्मल मीन्स इमेज का साइज हमको नॉर्मल रखना है या हमको उसको छोटा बड़ा भी करते आना चाहिए, दैट इज स्ट्रेच इमेज, ऑटो साइज मीन्स ऑटोमेटिकली उसका साइज कम ज्यादा होना चाहिए,
या फिर हमारी जो ये है इमेज वो सेंटर में दिखना चाहिए, तो सेंटर इमेज जूम, उसको जूम करते आना चाहिए, जूम इन जूम आउट, तो ये ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्ट्रेच इमेज करेंगे क्योंकि हमको उसको स्ट्रेच करके आना चाहिए, इसलिए हम स्ट्रेच इमेज प्रॉपर्टीज की सेट करेंगे। अब हमको एक ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स लिया है हमने, अब हमको कोडिंग के तरफ जाना है। तो कोडिंग के लिए हमको लिखना है बटन वन पे क्लिक करने के बाद हमको हमारा जो फाइल का डायलॉग बॉक्स है, फाइल के लिए पूछना चाहिए कौन सी फाइल ब्राउज करनी है, इसलिए हमको ब्राउज बटन के कोडिंग में हमारा जो कोड है वो लिखना पड़ेगा कि इफ ओपन फाइल डायलॉग वन। तो हमने ऑब्जेक्ट लिया था ओपन फाइल डायलॉग वन, यहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट शो डायलॉग। हम हमारा फाइल ओपन का डायलॉग बॉक्स कब शो करेंगे, शो डायलॉग इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, मीन्स डायलॉग पे रिजल्ट हमको शो करना है, देन तब हमको डायलॉग फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। तो ओके, देन उसके बाद अगर हमने फाइल ब्राउज कर ली, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, हमने फाइल सिलेक्ट कर ली, तो क्या होना चाहिए कि जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स है, जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, मीन्स उस टेक्स्ट बॉक्स में पर्टिकुलर फाइल का नाम डिस्प्ले होना चाहिए। इसीलिए टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओपन फाइल डायलॉग वन, जब भी फाइल हम ओपन करते हैं उसका फाइल नेम। सो ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स वन डॉट फाइल, मीन्स फाइल नेम जो है ओपन करने के बाद जो भी फाइल नेम हम क्लिक करेंगे वो फाइल नेम हमको टेक्स्ट बॉक्स वन में डिस्प्ले होना चाहिए। और टेक्स्ट बॉक्स वन में जो इमेज है हमारी, जो यूआरएल बता रहा है, एड्रेस बार जो हमको एड्रेस बता रहा है, वो हमारे पिक्चर बॉक्स में डिस्प्ले होना चाहिए। इसीलिए हमको लिखना है कि किसमें डिस्प्ले होना चाहिए, पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज लोकेशन, पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज लोकेशन इक्वल्स टू इमेज, पिक्चर बॉक्स वन में कौन सी इमेज डिस्प्ले होना चाहिए, जो टेक्स्ट बॉक्स वन में है, जो लोकेशन टेक्स्ट बॉक्स वन में है वो पिक्चर बॉक्स वन में हमको दिखना चाहिए। ओके, देन एंड इफ ये हो गया, देन अभी इसको हम रन करके देखते हैं। तो इस तरह से फाइल डायलॉग बॉक्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है और हमारा पिक्चर बॉक्स भी फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करती हूँ तो देखिए ये फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। देन यहाँ से हम कोई भी अगर इमेज सिलेक्ट करते हैं तो ये जो फाइल का जो भी एड्रेस रहेगा, वो यहाँ पे जो हमको एड्रेस दिखता है, तो वो एड्रेस हमारे फाइल का कहाँ पे चला जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स वन। ये देखिए जो जहाँ जिस लोकेशन पे था हमारा, वो टेक्स्ट बॉक्स वन में पूरा एड्रेस चला गया और ये हमारा पिक्चर बॉक्स जो डिस्प्ले नहीं हुआ था रन टाइम पे स्टार्टिंग में, वहां पे हमने ये इमेज दिखाई, डिस्प्ले हो गई हमारी इमेज। ओके, तो इस तरह से हमने फाइल डायलॉग ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स का यूज करके इमेज को डिस्प्ले किया। अब हमने एक पैनल लेना है, सो पैनल कंट्रोल यहाँ पे है कंटेनर्स में, क्योंकि ये भी जैसे ग्रुप बॉक्स जैसा ही कंटेनर वर्क करता है। तो हम ये पूरे जो हमारे कंट्रोल्स है इस पैनल के ऊपर प्लेस कर देंगे। ओके, मीन्स ये कंटेनर हो गया पूरे कंट्रोल्स का। तो अब हमारी जो बटन है, हमारी बटन, हमारे पास बटन थी, कि यहाँ पे हमारे बटन शायद गायब हो गए हैं, तो हम अभी फिर से दूसरी बटन लेते हैं। यहाँ पे बटन थ्री वो कहीं पे गायब हो गई हमारी बटन। सो बटन थ्री इस पे हम चेंज कलर नाम दे देते हैं, चेंज कलर। ओके, तो इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पैनल का कलर चेंज होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि
पैनल किसका कलर चेंज होना चाहिए, पैनल का. सो पैनल वन डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डॉट जो भी हमको चाहिए, कलर डॉट पिंक. ओके, तो ये जो है कलर, ये कलर क्या है, नेम स्पेस है. नेम स्पेस मीन्स जैसे हमारे सी सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स होती है, उसके फंक्शंस हम यूज करते हैं और उनका जो डेफिनेशन है ऑलरेडी हमको दिया हुआ रहता है, उनको इंक्लूड करके जो भी हम उनके फंक्शंस यूज करते हैं. तो सेम वैसे ही वीबी डॉट नेट में नेम स्पेसेस होते हैं. तो कलर ये एक नेम स्पेस है यहाँ पे. तो इसके अंदर बहुत सारे कलर्स का डेफिनेशन दिया है और वो हम डॉट का डॉट ऑपरेटर का यूज करके उन सब कलर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो अभी इसको हम रन करके देखेंगे. सो अगर मैं चेंज कलर करती हूँ तो पूरे कंटेनर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. फिर से हम ब्राउज करके देखते हैं एक दूसरा पिक्चर, ये पिक्चर ओपन. तो ये देखिए पूरे टेक्स्ट बॉक्स में इसका यूआरएल आ गया, इमेज लोकेशन जो है उसका एड्रेस आ गया पूरा, और ये हमारा पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले है. तो इस तरह से हम कर सकते हैं यूज पिक्चर बॉक्स का और पैनल का. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो. आप ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करके देख सकते हैं इस बेसिस पे. थैंक यू सो मच.